सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे ही किसी भी ट्रेन की जानकारी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं पे भी कभी जाते हैं तो आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है किसी भी ट्रेन की जानकारी पाने के लिए। आप घर बैठे ही अपनी ट्रेन की जानकारी पा सकते हैं कि वो किन दिनों पे जाती है, क्या उनका टाइमिंग है और कहाँ से वो चलती है और कितने टाइम पर वो पहुँचती है। सारी जानकारी आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाएगी। तो जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप ठीक से समझ सकें। तो सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए। दोस्तों जैसे आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो देखिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आप किस तरह से घर बैठे ही किसी भी ट्रेन की जानकारी आप पा सकते हैं, चाहे आपको इंडिया में कहीं पे भी जाना हो। तो सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र को ओपन करके आप उसमें लिखिएगा इंडियन रेलवे। देखिए आपको सबसे पहले दिख रहा है इंडियन रेलवे, तो यहाँ पर ही आपको क्लिक कर देना है या इंडियन रेलवे लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो सबसे पहले जो भी लिंक खुलेगा indianrailway.gov.in, तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए किस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए ये इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, तो उसमें आपको ये ऊपर तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, देखिए सीधे हाथ पे ऊपर। तो हमें अब इन्हीं तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इन तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको दूसरे नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, रिजर्व ट्रेन बिटवीन स्टेशंस, मतलब दो स्टेशनों के बीच की ट्रेन का पता लगाना। आप किसी भी जगह पर अगर जाना है तो अपने स्टेशन का, अपने स्टेशन से और दूसरे स्टेशन जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पर दोनों जगहों के बीच के ट्रेनों का पता लगाना है। देखिए रिजर्व ट्रेन बिटवीन स्टेशन, तो हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमें ट्रेनों की जानकारी चाहिए अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा जर्नी डेट, किस तारीख को हमें यात्रा करनी है। तो हम यहाँ पर कैलेंडर का जो निशान है इस पर क्लिक करके अपनी तारीख यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए नीचे कैलेंडर खुल गया होगा, तो मैं यहाँ पर जैसे दिखाने के लिए आपको 13 तारीख मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया है। देखिए 13 तारीख इसमें आ गया है ऊपर लिखा हुआ, ये देखिए। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंटर सोर्स स्टेशन, मतलब हमें कहाँ से ट्रेन पकड़नी है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जहाँ से भी आपको ट्रेन पकड़नी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू दिल्ली, तो देखिए जैसे आप इतना लिखेंगे तो ये अपने आप ही सर्च करके भी बताएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मुझे कहाँ से ट्रेन पकड़नी है। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इंटर डेस्टिनेशन एड्रेस स्टेशन, मतलब हमें कहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर हमें वो लिखना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुंबई, ठीक है। आपको कहीं पे भी जाना हो, जैसे मुंबई, पटना, दिल्ली से कहीं और जाना हो, गोवा, तो आप वहाँ का लिख दीजिए। तो ये मुंबई सेंट्रल, ठीक है, ये हो गया है। मैंने लिख दिया है मुझे नई दिल्ली से जाना है मुंबई। अब ये ऑप्शन है देखिए फ्लेक्सिबल विद डेट। आप दोस्तों ऊपर देख रहे थे मैंने 13 तारीख यहाँ पर लिखा था, 13 तारीख की मैं सर्च कर रहा हूँ। तो अब इस पे अगर क्लिक करेंगे तो 13 तारीख के जो आसपास की भी जो भी ट्रेनें होगी मुझे उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। मुझे यहाँ पर भी टच कर देना है, आप भी यहाँ टच कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ गो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि एक कैप्चा कोड पूछा जाता है उसी तरह का ये क्वेश्चन होता है। तो एक गणित का सवाल होता है, इसे हमें सॉल्व करना होता है। तो अब 576 में से 30 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमें वही लिखना है, तो बचेगा 546। 546 इसका उत्तर होगा, तो मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। और गो पर आपको क्लिक कर देना है, आपसे भी कोई इसी तरह का आसान सा सवाल पूछा जाएगा, उसको करने के बाद आप गो पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर, और आप यहाँ पर अपना कोटा, जो भी कोटा है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अभी इस पर जनरल है, देखिए मैं इस पर टच करके दिखाता हूँ तो कितने सारे कोटे हो गए। चाहे आप युवा एक्सप्रेस, युवा कोटा चाहिए, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ, नीचे की सीट का है, जनरल, पार्लियामेंट हाउस या कोई भी आपका कोटा है, तत्काल कोटा, लेडीज़ कोटा, जो भी आप अगर चाहते हैं उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आप जनरल कोटा पे ही आप सर्च कीजिए। देखिए दिल्ली से मुंबई की अब जितनी भी ट्रेनें हैं 13 तारीख की या उसके आसपास की, यहाँ पर मुझे वो सारी बता दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा ट्रेन नंबर, उसके बाद ट्रेन नेम, उसके बाद कहाँ से वो चलती हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे स्टेशन है। जैसे पहला नंबर पे आपको निज़ामुद्दीन दिख रहा है, नई दिल्ली दिख रहा है, तो कहाँ से चलती हैं वो है, और कितने टाइम पे दिल्ली से छूटती हैं ये वो टाइम है। उसके बाद कहाँ पर जाएगी, तो ये वो एड्रेस है। जैसे मुंबई का लोकमान्य तिलक स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी है, ये बांद्रा है, ठीक है दोस्तों। और ये
मतलब कितने बजे वहाँ पहुँचेगी, ये वो टाइमिंग है, उसके बाद कितना टोटल टाइम लेती है, ट्रैवल टाइम मतलब दिल्ली से मुंबई पहुँचने में कितना टाइम लेती है, ये वो लिस्ट है। और उसके बाद किन किन दिनों पर ये चलती है, जैसे आपको दिख रहा है सोमवार, मंगल, बुध, मंडे, ट्यूसडे है ये ऊपर लिखा हुआ, तो जहाँ पर NN लिखा हुआ है मतलब इन इन दिनों पर नहीं चलती, और जहाँ पर Y लिखा हुआ है तो इसका मतलब इन दिनों पर ट्रेन चलती हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने देख लीजिए किस दिन आपको जाना है, किस दिन कौन सी टाइम पे ट्रेन है, और जिस भी ट्रेन को में आपको उसकी जानकारी चाहिए तो उस ट्रेन के आगे के जो ये नंबर हैं आप उन नंबरों पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मुझे इस ट्रेन पे जाना है तो मैं इसके बारे में पता करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर टच करूँगा तो उस ट्रेन का पूरी डिटेल कि मतलब वो कहाँ से बनकर आ रही है, कहाँ से ट्रेन खुलती है, मतलब कि फिरोजपुर से देखिए पूरा कहाँ से आ रही है, कहाँ से होते हुए वो जाएगी, पूरी लिस्ट आपके सामने होगी। ये देखिए कहाँ से चलेगी, कितने बजे वो कहाँ कहाँ पहुँचेगी, कितने मिनट का उसका स्टॉपेज टाइम है, कितने मिनट स्टेशनों पे रुकती है, किस तरह से क्या उसका रूट है, कौन कौन से बीच में स्टेशन पड़ेंगे, देखिए पूरी डिटेल आपको उस ट्रेन की मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी कि किस तरह से आप घर बैठे किसी भी ट्रेन की पूरी जानकारी आप पा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यहाँ लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।